गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। और उठने के बाद जो सबसे पहला काम रहता है मेरा, वो है पैड मिलाना, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। और ये एक जो ऐसा प्रैक्टिस है जो मैंने खुद को पॉज किया है करने के लिए। अदरवाइज़ क्या होते हैं कि हम सुबह उठ जाते हैं एंड वी आर लाइक बहुत मैसी कर देते हैं रूम को, तो मैं इसलिए सबसे पहले अपना रूम मिलाती हूँ, आई मीन बेड मिलाती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज फील हो और रूम भी थोड़ा साफ सुथरा इस तरह से दिखे। और इससे क्या होता है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलता है और दिन के जो काम रहते हैं उसको आप एक ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे तुम भी आए क्या? अरे आती तुम हो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रुको रुको, रेस्ट करो। अरे रेस्ट करो। गुड मॉर्निंग आती तुम हो। हाय, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मैंने रूम को चालू भी लगा दिया है। इसके बाद ये देखिए मेरा बेड कुछ इस तरह सा दिखता है जब मैं बेड बना लेती हूँ। तो ये रहा मेरा बेड और अभी मैं करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है और इसके बाद अभी मैं शुरू करूँगी अपना जो डे केयर स्किन केयर रूटीन होता है उसको मैं फॉलो अप करूँगी। तो सबसे पहले मैंने टोनर लगाया है और उसको मैं अच्छे से चेहरे पे टैप कर लूँगी। इसके बाद ये है मेरा सीरम। सो मैं सीरम लगाती हूँ, विटामिन सी सीरम लगाती हूँ और उसको भी मैंने अच्छे से स्किन पे अब्सॉर्ब कर लिया है डैबिंग मोशन पे। और इसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ दिन के लिए। आई एम रेडी एंड आई एम लाइक मेरा सब स्किन केयर हो गया है एंड आई हैड माय मॉर्निंग टी। और अभी मैं पूरा रेडी हूँ, ड्रेसअप भी हो गया है मेरा। सो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे फिलहाल हापुड़ी के लिए एंड उसके बाद जो आगे क्या होगा वो डे प्लान तो अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है। ऑन द वे यू विल सी कि हम क्या करते हैं आज दिन भर। एंड गाइस कीप वॉचिंग। सो गाइस, मैं जा रही हूँ लाइक आई एम गोइंग। दोनों आ गया, इन दोनों का वेट कर रहा था। लाल लीट कहेगा यानी बाय बाय यानी। ओके, सो अभी हम लोग निकलेगा। सो अभी हम लोग निकलते हैं। ये क्या था संग सर सीबो आ आई दुकुआ कहाँ दिखाई दे रहा है? ओ ये तो पक गया, ए बड़ा हो गया तो। हाँ अरे लुक एट दैट। हाँ ये है बच्ची, देखने में सामने से ये बच्ची है। हम लोग इसको ही लेने आया था यहाँ पे, लेकिन ये बिगिनिंग में हम लोग जस्ट थोड़ा सा लाइक फ्यू 1 किलोमीटर आए ही ताकि यहाँ पे दिखाई दिए। पक गया क्या? लेकिन इतना बड़ा हो गया तो नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है रे, इतना वाला भी होता है, इतना वाला भी होता है। ओ तब तो क्या रुकना पड़ेगा और ये देखा हम लोग को खाने मिलेगा वो ना, ये तो गवर्नमेंट का बाउंड्री है ना। तो कैसे इसको कहाँ कैसे तोड़ेगा, मतलब यहाँ से नीचे से घुस के जगह है तो यहाँ से जा सकता है ना। इन फ्यूचर हम लोग बात में ना कल परसों ना, अरे बहुत ज़्यादा है तो ना मैडम, यहाँ इतना सामने में बच्ची है ना। तो ये इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है ना। ये अच्छा नीचे में भी इतना ज्यादा लगता है। और इसको क्या बोलते हैं मैडम, अभी आपको पता चल रहा है? हमको अभी तो सामने से खुद को दिखा रहे, जैसे साइज दिखाई दे रहा है, पता होता देख के मालूम नहीं चल रहा ना क्या बोलते हैं आप लोग का। बस आप लोग का उसमें पानी निकल गया, खाने मन हो गया। हमको मिल गया वो तेंजिंग होटल, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसके बारे में बहुत सुना था कि यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है एंड दिस इज ऑपोजिट टू दी हॉस्पिटल के ऑपोजिट है ग्याटी, ये वाला टाका हॉस्पिटल का ऑपोजिट ये है। यहाँ पे हमको अभी जाना है कुछ खाने के लिए। नजनी मैम का एंट्री देखो, जाएंगे खाने के लिए। ये बहुत हर चीज़ यहाँ का बहुत टेस्टी होता है, देखो। चलो आज ट्राई कर ही लेते हैं। यहाँ बैठ जाएगा, कितना बैठे हैं? चिकन मोमो, चिकन साव। ओ मेन्यू यहाँ पे है ना। चाय पीगा, मिल्क पीगा, 2 कप। अब देगा मिल्क, 3 कप मिल्क आगे दे दीजिएगा, 2 चाय। इटा तेल ना।
ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है देख के तो मैडम का ये टुप्पा ठीक ही लग रहा है ना, ये तो लग रहा है। किस तरह का कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट है ना, कैसा लग रहा है? रोज ही मेरा मन से बोलना था, मतलब क्या है क्या नहीं है ना। सो ये मेरा फर्स्ट ना, पता नहीं चलता इसमें बस दूसरा है पेट में। लेकिन हम भी थोड़ा कथन करते हैं। हमको अच्छा लग रहा है, यहाँ से ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे बस्ती वाला टेस्ट लग रहा है, ज़्यादा चावल नहीं है। बढ़िया है, अच्छा हुआ है, आई एम हैप्पी, अच्छा लग रहा है। वाह इतना बढ़िया से धुआं निकल रहा है, अभी निकला हो ना पर्सी मंच छोटा छोटा। ओके निकला बुढ़े जगह जैसे लोग काम करते समझ नहीं। यहाँ से खाना खा लिया है, बस्ती ना बस्ती जाएगा ना, बच्ची देखने जाएगा, वही तो बस्ती हो गई, बच्ची देखने जाएगा। ठीक है बुला बस्ती ना, ठीक है बस्ती में आया है। दोस्त दुआ चलो मैडम, हम लोग पर्सिमन देखने जा रहे हैं ना। ओके सो हम लोग यहाँ पर पर्सिमन, लास्ट उस दिन हम लोग पर्सिमन लगाया था, तो अभी हम लोग ग्रोन अप वाला है ना तसन सर, वो यहाँ से फ्रूट खाया था ना हम लोग। ओह तो हम लोग जा रहे हैं पर्सिमन का ट्री देखने। ये है क्या तसन सर, ये है क्या? अरे इतना सुंदर ना निकला है क्या मेरा? फूल। अरे बहुत सुंदर है तो पर्सिमन का, ये पट्टा भी इतना सुंदर है। ये इससे तो फ्रूट आएगा, ये फ्रूट निकल गया देखो, फूल का आया। ये रियल बहुत डेंजर से निकला है देखो। हाँ वाह इतना और इतना छोटा पेड़ में निकला है ना। हाँ ग्राफ्टिंग किया। वाह ये पर्सिमन है देखो गाइस, ये है पर्सिमन जीरो पे, हमने भी लगाया था उस दिन। वाह हम इसको मम्मी को आया मेरा ये क्या है कीवी। वाओ ये इतना हरा भरा कीवी है ना, ये भी देखो पर्सिमन है ना। वाओ पर्सिमन है तो ना, ये भी आ ऐसे ही यहां से लगा। हां ये पर्सिमन है, ये पता नहीं कैसे लगे हैं भाई, थोड़ा सीखो ना दजंग से। और हम जो वो ओके सो ये वाला नींबू तोड़ के नहीं लाते क्या? यही तो है। ओ मैडम ये इतना बड़ा ये गच्छी भी ना, इसका गंध भी बहुत टेस्टी होता है ना। अरे ये तो लेकिन इतना बड़ा वाला है कि ओ है लेकिन अभी भी ना लेमन जो लेकिन बहुत साइज बड़ा हो गया उनका लेमन किसका नहीं अभी अंदर नया निकल रहा है वो पुराना वाला भी है ना स्टील देखो येलो येलो बड़ा साइज। अरे हां ये देखो जाओ गिरा तो सब गिरा कैसे गिरा है? अरे वो तो ऑरेंज जैसे हो गया, बड़ा हो गया ना। हां चलो रसन सर गिराओ 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 आपका तो यहाँ पे क्या है? ओह चाइनीज बेम्बू मतलब चाइना से वाला आया वाला। ओह उस दिन ना हम लोग भी खाया है ना हाँ किसी को भी देने से हम लोग भी खाने मिल जाते हैं। और यहाँ मैं भी बहुत देता हूँ मैडम तसंग सर, ये बेपू है ना, बेहे बेपू ना आई हाल है ना हाँ हम लोग बेहे बोलते हैं बे कौन सा वाला? ओ ये चाइनीज बाल भी बहुत ज्यादा होता है। ओ ये चाइनीज बम्बू ना, अरे लोकल देखो ना ये हम लोग का बम्बू एकदम अलग है तो। ओ हाँ ना ये सुंदर है ना, ये सुंदर है बोलते हैं मतलब इतना अलग है ना सेप साइज भी। और इसलिए तो ये जब उन लोग ऐसे काट के बनाते बहुत बहुत बढ़िया चक 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 ने काटता है ये। लेकिन ओ तसंग सर सुतरी चामा दुआ यहाँ में जो ऐसे निकलता है ना ये जंगल वाला है।
नहीं नहीं इसमें नहीं निकलता है ना ये बम्बू में ना ऊपर तक पूरा क्लीन ना अरे हाँ मोटा देखो ना मोटा भी मोटा है ये कहाँ से मंगवाया है ये बेंबू डिपार्टमेंट जो देता है ना ओ जैसे ये परसिमन जो तुर्की से लेकर आया था ना भैया भी क्या करते हैं ये जो ना ये बेंबू लोग को लगाने के लिए आप लोग वो बहुत कड़ा है तो कड़ा मतलब मेहनत मेहनती मतलब बहुत काम सब अच्छे से करने वाला ना कड़ा मेहनती को बोलते हैं मतलब हां हां वाओ ये तसंग सर का बाबी का खेती वो जिसको उसमें यूज करता है ना देखो मैं ना वाओ बहुत मेहनती का मतलब हम लोग देखो ना गोभी इतना बड़ा बड़ा गोभी अरे मैडम प्याज ना मेरे ऐसे तो था एक ही था ना मेरा एक तो था ना सच में वाह गोभी का खेत है यहाँ पे तो बढ़िया है रे वो भी आप लोग थोड़ा बड़ा बड़ा है ओ ये सेमो आई है ना अरे हम फर्स्ट टाइम इतना सामने से देखा है ओ ये सेमो आई ना और सो चाकी माँ सेमो अभी नहीं उठेगा ना ये छोटा है ना अरे इतना सुंदर होता है ना सेमो आई भी ए ओ अरे हाँ देखो ना मैडम इतना लंबा था ना मतलब बहुत बुरा हो गया था वो भाई हाँ अभी दिखाता हूँ ये देखो परसिमन जीरो पे परसिमन अरे इतना प्यारा सी गेम ये कब तक रेडी हो जाएगा अरे इतना प्यारा से यहाँ निकल रहा है अरे निकल रहे तो अनार निकल रहे यहाँ पे नहीं फूल है वो सर का घर से बाहर निकल गया अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन सर का दोस्त का घर जा रहे हैं अंदर का वो जो नहीं होती ओके सो ये यहाँ पे कहीं पे हम लोग उस दिन आया था तो यहाँ पे भी तो कुछ था ना प्लांटेशन थी ये जो क्या बस्ती था दर्शन सर लेम्पिया ना हाँ ये जगह जो ना लेम्पिया में घूम रहे अभी हम लोग ओके सो ये हमारा नेक्स्ट घर है यहाँ पे हम लोग जाएंगे घुस जाएगा ना ओके वाह देखो कितना अच्छा है ये हम लोगों को अरे यहाँ पे दो तू ऐसे झूला है ना अरे हम लोग आ गया है हम लोग आ गया बीट रूट है ये वाह ये देखो ये हम लोगों का यहाँ पे और एक बगान नहीं बर्फ में अभी तो नहीं मरेगा क्या तो बर्फ के टाइम में थोड़ा अंदर रखना है ना ये संतरा है ये संतरा ओ ये अरे ओ ये संतरा है ना जीरो का संतरा कैसा होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता है छोटा छोटा होके ना अरे देखो अनार का पेड़ तो यहाँ पे इतना बड़ा सा है अरे वाओ ये देखो ना अनार का पेड़ इतना ज्यादा है इसमें तो निकलता है ये तो है यहाँ से तो रहता है ओ ये वाला गच्ची से ना निकल गया ना ये जल्दी वाला है अरे ये अरे निकले तो वो देखो बड़ा हो गया वहाँ पे वाओ अरे और भी है ना नीचे पे भी ये सोयाबीन मैडम सोयाबीन है यहाँ पे ये प्लम को ऐसे एयर लेके इसको हम लोग उनसे निकलेगा होगा ना इसको हां गच्ची को ऐसे तो रूट से ही डरेगी ये निकलता है ना क्या को क्या जो ये क्या है ये भी तो प्लम है नहीं मेरा भी प्लम ही होता हो ना जाने में हम सब कुछ खा चुके हैं हम सबसे ज्यादा खाने वाला हां हम खाया था हमको पता नहीं अरे सीन ये क्या है ये पेशन फ्रूट इतना सुंदर है ना ये फूल भी ना उसका भी ऐसे ही होता है फूल जो ना लेकिन इससे बहुत बड़ा होता है ऐसे हम लोग करते हैं वाला पानी है ना दसंग सर ये क्या बोलता था इसको सुकू सुपू सुकू छोटा सा देखो लोग कहते हैं ना ज्यादा यहाँ पे बागान में निकल जाने से पूरा हो जाता है और देखो यहाँ का व्यू भी कितना बढ़िया है यहाँ पे तारे खेती है ना
वाह यहाँ में तो वाह बहुत बढ़िया है रे ये क्या बोलता है ना पिंचू पिंचू एंड पिंटा इज सेम थिंग ओनली वो बोल नहीं गई इसका साइज बहुत बड़ा होता है ना अरे ये पीच भी रेडी हो गया यहाँ पे ये तो पीच है ना ये वाला तो नहीं है कि हमको दिया वाला यहाँ पे थ्री टोमेटो आपने देख हम थ्री टोमेटो उस दिन सीट ले गया था ना लगाया भी नहीं खाया भी नहीं ये साइड निकलने के लिए कर रहे हैं क्या ना मेरा हाँ सो हम लोग अभी दूसरा वाला जगह में आ गया जी अभी होगा क्या झुक गया हमें आया हमको डरा रहे थे आप मैडम नहीं सुबह तो पे मैंगो ग्रीन होके जो गंदे था ना जिसको नारी सर को से भी हो गया था ना योर मुंह में बनाता है ना ग्रीन वाला योर खून योर खून योर खून तो वो है ना दिंदी वाला ना हाँ ओके सो अभी हम लोग जंगल जा रहे हैं बच्चे ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना है क्या तसंग सर ओ हमको वही डर लग रहा है कि वो जुक जो आने से ना वो सुबह तो पे बोलते हैं उसको ना मैडम हम लोग तो हम बहुत डर लगते हैं उससे वो वाला जुग जो हाँ हम लोग 10 साल का बत में अच्छा हम लोग का वजह से आप 10 साल का बत में आ तो रहे ओके सो अभी ये बहुत ऊपर है सो क्लाइम करने में डिफिकल्ट हो रहा है आई हैव टू यूज ब्रीदिंग टेक्निक ओके सो वेन एवर आई क्लाइम ऑन दिस माउंटेन वगैरह में क्लाइम करने से व्हाट आई डू इज ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करना पड़ता है लाइक नाक से सांस लेते हैं एंड मुंह से छोड़ते हैं एक्सहेल तो वही टेक्निक अभी यूज करेगा सो ये टेक्निक करने से क्या होता है कि आप ऊपर तक चढ़ सकते हैं ओके सो आई कांट टॉक मच तो ऊपर जाना पड़ेगा ओके गाइस देखो वो नीचे से यहाँ है एंड स्टिल टू गो और बहुत जाना है वो दोनों आगे चला गया हम यहाँ पे चल नहीं सक रहे हाँ हाँ बहुत हाँ ये डायरेक्ट स्ट्रेट वाला ऑफ है ना हाँ ओ वो मेरा ब्रीदिंग का इशू रहता है ना इसलिए हाँ अच्छा है तो एटलीस्ट रास्ता है ना वाह ये जंगल दिखाई दे रहा है वाह ये बहुत अच्छा खासा रास्ता है तो ना Okay, so guys, finally we have reached here. हाँ घर बना के ओ तोड़ तोड़ के खाते हैं ना हो ये और ये तो बहुत बड़ा है तो तसंग सर ओ अरे यहाँ है तो बच्ची हो गाइस इसको लेने आए इतना दूर से और ऊपर से इतना सामने में मिल गया ना मतलब सामने मीन्स हाथ से पहुंच रहे ना हाँ ये देखो ये है हम लोग इसको बच्ची बोलते हैं जून लास्ट को ना हाँ पूरा एकदम हाँ अभी अभी बहुत मजा है एक तो तुलसी भी हमको ले जा देगा क्या हाँ टेस्ट करने के हम लोग का मेहनत है ना ओके ओके टेस्ट करके इतना दूर मेहनत करके चल के आया तो टेस्ट तो करना बनता ही है मेरा तो सांस पूरा अब मरने वाला है ना नरे का आप है तो ना ये ओके ट्राई करके देखते हैं उसको ये साउथ वाला को ऑयल वर्जन है वाओ इट्स सो टेस्टी इसका जो सॉर्टनेस है ना वो हमको पसंद है पकने से सब खा के
बहुत टेस्टी है ये, लेकिन अभी ये और थोड़ा सा पकने से अचार बनाने के लिए ठीक होगा ना, और थोड़ा पकने लग जाएगा ये। थोड़ा बड़ा बड़ा से तोड़ो, तोड़ने से बड़ा बड़ा ऊपर में होगा। ओके गाइस, आई विल शो यू द ट्री, बहुत बड़ा गच्छी है। ओके, यहाँ पे फोटो सेशन भी हो रहा है ये मच्छिंग का। इसको अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं ना, ये अलग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ तो इसको बच्ची बोलते हैं, बच्ची। एंड ये अभी रेडी नहीं हुआ है एक्चुअली, सो इसके लिए और थोड़ा सा 1 month जैसे लग जाएगा ना, ना तसंग सर, 1 month लगेगा। जुलाई, जून जुलाई, जून लास्ट को ना, हाँ जून लास्ट को ना, उसको जुलाई तक तो बहुत पक जाएगा होगा।